नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं अपनी निजी वस्तुओं का आदान प्रदान करती रहती हैं। कई बार लेडीज अपनी सुहाग की निशानी जैसे सिंदूर, चूड़ियां, पायल और बिंदी दूसरी महिला को इस्तेमाल में दे देती हैं, जिसे शास्त्रों में बिल्कुल गलत बताया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी है वो चीज जिन्हें शेयर करना भारी पड़ सकता है। सुहाग की निशानी सिंदूर महिलाएं विवाह के वक्त सबसे पहले अपने पति के हाथ से धारण करती हैं। उन्हें अपना सिंदूर कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, यानी जिस डिब्बी से वह सिंदूर लगाती हैं, उससे किसी अन्य को सिंदूर नहीं लगाने देना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या नई डिब्बी देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा महिलाओं को अपना काजल किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, भले ही वो आपके परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। माना जाता है कि ऐसा करने से पति का प्यार घटने लगता है, दोनों के बीच झगड़े और कलह की स्थिति पैदा होती है। अगर काजल बांटने को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये आंखों के लिए सही नहीं है। और अगर बात करें बिंदी की, तो हर सुहागन स्त्री के लिए माथे पर बिंदी लगाना अनिवार्य माना जाता है। सिंदूर की तरह बिंदी भी महिलाओं का सुहाग चिन्ह होता है। मान्यता है कि इसे कभी भी अपने सिर से उतार कर किसी और के माथे पर नहीं सजाना चाहिए। अगर किसी को बिंदी देना चाहें तो नई बिंदी खरीद कर दें। सुहागन के हाथों की मेहंदी उसके पति के प्यार और उसकी सलामती की निशानी होती है। माना जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उस महिला को पति का प्यार उतना ही ज्यादा मिलता है। इसलिए मेहंदी को बांटने से पति का प्यार भी बढ़ जाता है। यदि आप मेहंदी किसी को देना चाहें तो नई दें। अपने हाथ पर लगने के बाद बची हुई मेहंदी दूसरी सुहागन स्त्री की हथेली पे लगना अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह चूड़ियां और पायल को भी सुहाग की निशानी माना जाता है। चूड़ियां और पायल की खनक शादीशुदा महिलाओं के जीवन में खुशियां लेकर आती हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने वस्त्र परिधानों से मैचिंग करने के चक्कर में अपनी ये चीजें दूसरों से साझा कर लेती हैं। इन्हें साझा करना शुभ शगुन नहीं माना जाता। अगर आप भी ये गलतियां करती हैं तो अब से संभल जाएं, क्योंकि आपकी हुई इन छोटी छोटी गलतियां आपके रिश्ते में करवाहट घोल सकती हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।